हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले वासियों की लगातार मांग के बाद केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने यहां के लोगों को एक और नई ट्रेन शुरू कर सौगात दी है। ट्रेन बाड़मेर दिल्ली स्पेशल चलेगी तो आज सुबह 6:30 बजे बाड़मेर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का स्वागत किया। वहीं पायलट और यात्रियों को भी माला पहनाकर अभिनंदन किया। दरअसल ट्रेन संख्या 20487 को कल 3 बजे केंद्रीय मंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो आज सुबह 6:30 बजे बाड़मेर पहुंची। यहां के लोगों का कहना है कि हमारे यहां पर पूर्व में रोजाना मालानी ट्रेन चलती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद वो ट्रेन बंद हो गई थी और उसके बाद सिर्फ 3 दिन तक ही मालानी ट्रेन संचालित हो रही थी। ऐसे में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, रेल मंत्रालय और भारत सरकार ने हमारी मांग सुनी है, अब ये स्पेशल ट्रेन लगाई है। अब सप्ताह में 5 दिन तक ये ट्रेन चलेगी, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर प्रियंका चौधरी, भाजपा नेत्री, इन्होंने ये कहा। जी, आज हम जैसा कि जानते हैं कि ट्रेन या मालानी एक्सप्रेस यहाँ बाड़मेर पहुँची है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेलवे मंत्री को और ख़ास तौर से हमारे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को कि उनके अथक प्रयासों से ये मालानी एक्सप्रेस की शुरुआत फिर से हुई है। और मैं मानती हूँ कि ये हमारे बाड़मेर ज़िले को बहुत बड़ी सौगात है। बीच में ये बंद कर दी गई थी, लेकिन यहाँ जो जनता की मांग निरंतर उठ रही थी, तो कैलाश जी चौधरी ने बहुत अपने प्रयास किए। उनके अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हमें फिर से एक सौगात मिली है। बाड़मेर के अंदर एक और नई एक्सप्रेस ट्रेन की आज एक और जुड़ी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कैलाश जी भाई साहब को और रेलवे मंत्री जी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।